सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाला है थोड़ा सा बड़ा काम। ओके थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वो करने वाले हैं, जो कि है इस पेपर पर, जो कि बहुत छोटा दिख रहा है पर है बहुत बड़ा। तो ये है A1 साइज का पेपर, जो कि बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक है। अच्छा, पतला भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, पूरा मीडियम सरफेस का है और थोड़ा स्मूथ की तरफ ज्यादा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस, ग्रीड्स हो चुके हैं रेडी। तो ग्रीड्स आपको विजिबल तो नहीं होंगे पर फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नहीं दिखेंगे तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं दिखेगा अच्छे से। तो मैंने इस स्केल का यूज़ नहीं किया, छोटे वाले स्केल का कुछ भी नहीं होता, इसका आधा भी नहीं बनता। तो इस स्केल का मैंने यूज़ नहीं किया, इस स्केल का सिर्फ मैंने मेजरमेंट में यूज़ किया था। तो इस स्केल का मैंने नहीं, इस बड़े वाले लकड़ी का मैंने यूज़ किया, जो ई वाला है, काफ़ी बड़ा है ये। तो मैंने इस स्केल से मार्क किया और इस स्केल से, मतलब इस लकड़ी से मैंने लाइन खींचा, तो काफ़ी इजी रहा मेरे लिए। पर फिर भी ग्रीस बनाने में मुझे जितनी आसानी होती है उतनी आसानी मुझे नहीं लगी। तो अभी आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये बनेगा कि नहीं। चैलेंज तो ले लिया पर पता नहीं बनेगा कि नहीं, पर फिर भी कोशिश ज़रूर करेंगे और मज़े में करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। तो बस करना स्टार्ट करते हैं और आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो गाइस मैं बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो मुझे इतना बड़ा साइज का आर्टवर्क बनाने में मिला है। तो देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो भाई, पहला एक्सपीरियंस जो मुझे मिला वो है टाइम और पेशेंस का डिफरेंस। जब मैं छोटा आर्टवर्क बनाता था, जैसे A3, A4, A5, मैंने A3 का भी बनाया है, लेकिन A1, ये डायरेक्ट A1 साइज़ का है, तो ये पूरा डिफरेंट है, पूरा साइज़ ये पूरा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको इसमें, और टाइम और पेशेंस, पेशेंस की हद ही पार हो गई यहाँ पर। मैं करते करते भाई, मैंने इसको 13 में स्टार्ट किया था, 13 को स्टार्ट किया था मैंने इसका आउटलाइन, 14 को मैंने इसको 3-4 घंटे बनाया, और आज 15 अगस्त को मैंने इसको पूरे दिन बनाया, तब भी ये अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतना बड़ा साइज़ में बनाना, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है गाइस, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और पेशेंस तो हद ही नहीं है इतनी ज़्यादा लगता है। आगे स्वाद। तो भी बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्सपीरियंस की तरफ, जो कि है डिफ़िकल्ट इन पोजीशनिंग, ठीक है। तो इसको अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने कैमरा को फिक्स करने में, आपको कैसा शॉट लेना ये आपको ज़्यादा परेशानी होगी। और आप अगर आप एक क्रिएटर नहीं हो फिर भी आपको बहुत सारी परेशानी आएगी, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है, तो आप ज़मीन पे तो रख के कर सकते हो आराम से, उस पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको हाथ कहीं पे लगाना नहीं पड़ेगा और फैल सकता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका ऊपर का पार्ट कर रहे हो और नीचे वाला पार्ट भी आपने थोड़ा सा किया है, तो एल्बो से बहुत ज़्यादा फैल सकता है अगर आपने चारकोल भी किया है। मैंने ये ग्रेफाइट का है, फिर भी मेरा हाथ पूरा काला होगा, जब मैं ड्राइंग को फिनिश किया था तब मेरा हाथ पूरा काला हो चुके थे। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो पोजीशन है, जो पेपर का साइज़ है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब लाता है। तो ये था मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस। उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? Oh!
गाइस अभी हो चुके हैं रात के 2 बज रहे हैं और ड्राइंग कुछ इतना कंप्लीट हो चुका है, तो काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने कभी ऐसा इतना बड़ा वर्क नहीं किया है अभी तक, तो मुझे काफ़ी थकान हो रही है क्योंकि बहुत खड़ा होकर करना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप इतना बड़ा वर्क है। तो कल है इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने सोचा था कि कल दे दूंगा, पर कॉलेज की वजह से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा था। आते ही मुझे थकान सी होती है और मैं नींद में चला जाता हूँ। तो इन दो दिन मुझे बंद मिला, तो मैंने इतना कुछ कर लिया है, आज के पूरे दिन में मैंने इतना ही किया है बस। तो देखते हैं कल अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं, नहीं होगा तो 16 को कर देंगे, कोई उपाय तो नहीं है। तो अभी मुझे फिलहाल बहुत थकान हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह करते हैं और मिलते हैं आपसे। सो हियर वी कम टू द थर्ड एक्सपीरियंस। सो पहले दोनों एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा आपको नेगेटिव वाले बताए थे, लेकिन इसमें पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे फ़िलहाल ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी, क्योंकि दूर से देखोगे आपको बड़ा आर्टवर्क है तो आपको दूर से देखना पड़ेगा, दूर से पूरा एकदम ब्लेंड जैसा लगता है, कुछ भी उखड़ा उखड़ा सा नहीं लगता, क्योंकि ग्रेफाइट के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे लगते हैं क्योंकि पेपर का साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बिना ब्लेंडिंग किए भी आपको रियलिस्टिक शेडिंग आ सकता है, वैसे भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पर ज़्यादा आसान हो जाता है करना। तो ये था मेरा थर्ड एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर पेंसिल ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं कंपेयर टू द जो हम स्मॉलर साइज़ के आर्टवर्क बनाते हैं, यहाँ पर पेंसिल जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा ड्राइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है, तो अभी फिर से करता हूँ। सुबह 5 बजे लगा पड़ा हो, पर कोई चारा भी नहीं है, करना है तो करना है बस। तो जब भी कंप्लीट होगा मैं तभी एडिट करके अपलोड कर दूँगा, चाहे 1 बजे 2 बजे जितने भी बजे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपलोड करना है वीडियो। और कल भी आ सकता है, नहीं कल नहीं, जब भी होगा तब भी मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो बस थोड़ा बहुत बाकी है, अभी बनाते हैं और एडिट करके वीडियो को अपलोड करना है, तो मिलते हैं नहीं। सो अभी आते हैं अपने 5th एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ 5th एक्सपीरियंस मेरा ये है कि यहाँ पर शेडिंग करनी है सिर्फ, नथिंग एल्स, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर शेडिंग से ही सब कुछ हो जाता है यार। यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो इतना बड़ा पेज है तो यहाँ पर आपको गलती करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और डिटेलिंग में भी आपको गलती अगर हो जाए तो सिर्फ नॉर्मल रबर से भी आप रब कर सकते हो, आपको नीडे डिरेजर मोनो जीरो कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मैक्सिमम पेंसिल का यूज़ किया, मैंने ब्रश तक का अच्छे से यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा सा कभी कभी यूज़ हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं डिपेंडेंट कुछ भी मैं नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में मैं इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, और मैं सिर्फ पेंसिल का ही मैंने यूज़ किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर कि आपको सिर्फ पेंसिल शेडिंग से ही आपको फुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बन सकता है एक बड़े साइज़ के पेपर में, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप छोटे साइज़ के पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, आप हर साइज़ के पेपर में ऐसा कर सकते हो, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसा करना। तो यहाँ पर आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जो कि सब पे भारी है, अच्छा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हर पॉइंट पे भारी है, जो कि है मज़ा, फन। बहुत ज़्यादा मज़ा आया करने में, किसी भी तरह का कोई भी
मुश्किल आए पर मज़ा बहुत आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे करने में। बस यही मुझे चाहिए था, जितना भी ज़्यादा मुश्किल हो मुझे मज़ा बहुत आया करने में। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। पसंद आया होगा और मैंने जो अभी अभी पॉइंट्स बताए, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे कैसा लगा मैंने आपको बता दिया। तो ये सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं करके। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया करके। और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई मिला कि कल मैंने शेयरिंग स्टार्ट किया था और आज मैंने कंप्लीट भी कर दिया A1 साइज़ का पोर्ट्रेट। पर फिर इससे मैं बेहतर बना सकता था, पर टाइम तो नहीं है। वो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तब तक के टेक केयर, लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।